जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को अप्रैल महीने की टॉप 5 वैकेंसी के बारे में बताऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सारी नॉलेज साथ में सारी वैकेंसी के बारे में पता चल सके, ताकि आप लोग इसकी तैयारी में लग पाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं SSC CHS 2024 के, जिसमें आप लोगों के टोटल 5000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। देखिए, वैसे तो इसके फॉर्म आप लोगों के 2 अप्रैल 2024 से शुरू होने थे, लेकिन SSC की न्यू साइट पे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लोगों के जो फॉर्म है तो वो आप लोगों के 10 अप्रैल से भरने स्टार्ट। इसके फॉर्म की लास्ट डेट आप लोगों की 1 मई 2024 रहने वाली है। साथ में इसके एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो की आप लोगों की जून जुलाई 2024 में आप लोगों के एग्जाम होने हैं। अब इसके एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो एज इसमें 18 से 27 साल यूआर कैंडिडेट की रखी गई है। वही बाकी आप लोगों को कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो भी लोग 12th पास है तो वो सभी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी की, मतलब कि इसका जो बेसिक पे होता है तो वो आप लोगों का 19,900 से लेकर 63,200 होता है। मतलब कि इन हैंड जो सैलरी आप लोगों को मिलती है अंडर CHSL, तो वो आप लोगों को 38,000 प्लस मिल जाती है। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है तो वो अभी आप लोगों की नहीं आई है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद आप लोगों के जो नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिल करने का, तो उसी के साथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसमें आप लोगों का टीएफ फर्स्ट होता है, उसके बाद टीएफ सेकंड करवाया जाता है, फिर आप लोगों का एक टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। टीएफ फर्स्ट आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं, जिनको करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 होती है। इसमें आप लोगों से इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों के 50 नंबर के होते हैं, वहीं मैथ्स में 25 क्वेश्चन और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन और जीएस में आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम की तैयारी के लिए, तो देखिए आप लोग अभी जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उनमें आप लोगों को ये बुक्स एड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो कि किरण पब्लिकेशन की है, ये आप लोगों की सॉल्ट पेपर बुक है, जिसमें आप लोगों के टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में 2023 से 2024 के बीच में जितने भी आप लोगों के 42 सेट्स हैं तो वो आप लोग के एग्जाम के दे रखे हैं। साथ में इसके एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को इस सॉल्ट पेपर बुक में दी गई। बाकी इनके सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आप लोग प्रीवियस ईयर की इन बुक से कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट में 157 सेट्स दिए गए हैं, जहां से आप लोगों की प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। साथ में अच्छी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को इसमें दे रखी है। देखिए ये चीज आप लोगों के जो CHSL का नया पैटर्न एग्जाम पैटर्न, तो उसको समझने में आप लोगों की काफी ज्यादा मदद करेगी। बात कर लेते हैं इसके टीयर सेकंड की, जो कि आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आप लोगों की मेरिट डिसाइड करने वाला है, ये वाला सेक्शन, जिसमें आप लोगों से टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के 360 नंबर के होंगे। इसमें आप लोगों से जो मैथ्स है, तो उसमें आप लोगों से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के 90 नंबर के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 30 नंबर का होने वाला है। वहीं आप लोगों के रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के 90 नंबर के होंगे। वहीं इंग्लिश में आप लोगों से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस में आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन में आप लोगों की सबसे खास बात यह है कि आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग के बाद थोड़ा सा गैप दिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का इंग्लिश और जो जीएस वाला पार्ट है तो वो ओपन होगा। तो उसके बाद आप लोगों का एक सेक्शन और आएगा, जो कि आप लोगों का कंप्यूटर का होगा। ये आप कंप्यूटर का जो पेपर है, तो ये आप लोगों का केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आप लोगों का 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के 45 नंबर के होंगे। तो लेकिन मेरिट आप लोगों की जो लगेगी फाइनल, तो वो आप लोगों की 360 नंबर, जो कि मैंने आप लोगों को 4 सब्जेक्ट बताए, जो कि मैथ्स रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश का है, जो कि टीयर सेकंड में आता है। उसके बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होता है और उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की टॉप 2nd वैकेंसी की, जो कि आप लोगों की SSC जूनियर इंजीनियर 2024 की है, जो कि आप लोग जिसको JEE बोला जाता है, जिसमें टोटल पोस्ट आप लोगों की 966 है और ये पोस्ट आप लोगों के केवल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए इसमें आप लोगों से इंजीनियरिंग मांगी हुई है, जैसे कि बीटेक, और आप लोगों का डिप्लोमा मांगा हुआ है, जो कि पॉलिटेक्निक वगैरह जिन लोगों ने की हुई है तो वो लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में इसकी एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो 18 से 30 साल यूआर कैंडिडेट की इसमें एज रखी गई है। इसके आप लोगों के 28 मार्च से स्टार्ट हो चुके थे, जिसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आप लोगों की 18 अप्रैल है।
है, तो सभी लोग इसका फॉर्म फिल कर दें। साथ में वेरियस डिपार्टमेंट में ये आप लोगों की पोस्ट निकली है, तो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखकर आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करूं इसकी सैलरी की, जो कि इसकी काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसका बेसिक पे आप लोगों का 35,400 से लेके 1,12,000 होता है, जो कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है। और इन हैंड सैलरी आप लोगों को इसमें करीबन 50,000 प्लस मिल जाती है। लेवल 6 की आप लोगों की ये जॉब। बात करूं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 2 स्टेजेस में आप लोगों का सिलेक्शन होता है। इसमें पहले टीयर फर्स्ट होता है, इसके बाद आप लोगों का टीयर सेकंड करवाया जाता है। टीयर फर्स्ट की आप लोगों की डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि आप लोगों की 4 से लेकर 6 जून तक होना है, तो आप सभी लोग इसकी तैयारी में आज से ही लग जाएं। टीयर सेकंड की अभी आप लोगों की डेट अनाउंस नहीं की गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग अप्रैल महीने की टॉप 3rd वैकेंसी की, जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि आप लोगों की रेलवे के अंदर है, RPF की, मतलब की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें आप लोगों की कांस्टेबल और SI 2024 में जो वैकेंसी निकली है, कांस्टेबल की आप लोगों की 4208 पदों पर निकली है, वहीं SI की आप लोगों की 452 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो कांस्टेबल के लिए 10th पास, वहीं आप लोगों की जो SI के लिए है क्वालिफिकेशन तो वो आप लोगों की ग्रेजुएशन रखी गई है। फॉर्म आप लोगों के 15 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप लोगों के 14 मई तक भरे जाएंगे। साथ में इसके जो एज क्राइटेरिया रखा गया, तो कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल UR कैंडिडेट के लिए, वहीं SI के लिए आप लोगों के 20 से 28 साल इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है। इस पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं डिटेल वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को जोन वाइज जो कट ऑफ जाती है उसके बारे में समझाऊंगी, और किस जोन या ग्रुप से आप लोगों को इसका फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन कम नंबरों पर ही हो जाए, और ऐसा कौन सा जोन है जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा और कट ऑफ सबसे कम रहती है, तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्द 2 से 3 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगी। बात कर लेते हैं हम लोग टॉप 4th वैकेंसी की, जो कि आप लोगों की NVS मतलब कि नवोदय विद्यालय में वेरियस पोस्ट 2024 है, जिसमें टोटल वैकेंसी आप लोगों की काफी अच्छी खासी निकली है इस बार, जो कि 1377 आप लोगों की टोटल वैकेंसी निकली है, जो कि अलग अलग पोस्ट पर है। जैसे कि आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट की इसमें 381 पोस्ट निकली है, वहीं आप लोगों की MTS के 19 पद निकले हैं, वहीं आप लोगों की मैथ्स हेल्पर की 442 पद निकले हैं, वहीं आप लोगों की लैब असिस्टेंट की 161 और वहीं स्टेनो के आप लोगों के 23 और ऑडिट असिस्टेंट के आप लोगों के टोटल 12 पदों पर वैकेंसी निकली है, और वहीं फीमेल नर्स स्टाफ आप लोगों का 121 पदों पर इनकी वैकेंसी निकली है। इसके एज क्राइटेरिया की, तो देखिए आप लोगों का स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, तो उनके लिए आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो आप लोगों का 18 से 27 साल रखा गया है। इनके अलावा जैसे कि MTS हुए और मैथ्स हेल्पर हुए, तो इनकी जो पोस्ट है, तो ये आप लोगों की इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा हुआ है। फॉर्म आप लोग आज ही भर सकते हैं, क्योंकि इसके फॉर्म निकले हुए हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप लोगों की 30 अप्रैल रहने वाली है, तो आप सभी लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए आप लोगों की पोस्ट वाइज आप लोगों की इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, जैसे कि स्टेनो और JSA की आप लोगों की 12th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही MTS के लिए 10th पास और आप लोगों की लैब असिस्टेंट के लिए आप लोगों की 12th पास होनी चाहिए, और ऑडिट असिस्टेंट की आप लोगों की जो है क्वालिफिकेशन, तो वो आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में देखिए मैं कहूंगी कि केवल वही लोग इसका फॉर्म फिल करें जो कि फाइनेंशियली थोड़े ठीक है, जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसका फॉर्म फिल ना करें। उसकी वजह ये है कि इसकी जो फॉर्म की फीस है तो वो ज्यादा होती है, जैसे कि जनरल OBC वाले हैं तो उनकी जो फीस है वो आप लोगों की 1,000 है, SC ST वालों की 500 रुपए फीस है इसमें। वैसे इसका जो कंपटीशन रहता है तो वो काफी कम रहता है ड्यू टू देयर फीस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जहां पे फीस इनकी ज्यादा होती है तो हर कोई इसका फॉर्म फिल नहीं करता है, केवल कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है तो वही लोग इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि अगर आप लोग इसकी तैयारी करें, इसकी तैयारी में लगें, तो ही आप लोग इसका फॉर्म फिल करें। बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की टॉप 5 वैकेंसी की, जो कि आप लोगों की DSSP में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड 2024 की है, जिसमें टोटल पोस्ट आप लोगों की 142 निकली है। देखिए पोस्ट कम है, लेकिन आप लोगों को इन वैकेंसी के बारे में पता नहीं होता है, तो कॉम्पिटिशन इनका इतना हाई नहीं रहता है। इसमें आप लोगों की जो पोस्ट निकली है तो वो आप लोगों की डाक पियोन की 99 पोस्ट है, जिनका आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो आप लोगों की मिनिमम 10th पास मांगी गई है। वहीं आप लोगों की ड्राइवर की 12 पोस्ट वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो आप लोगों की 10th पास, साथ में लाइसेंस आप लोगों का लाइट मोटर व्हीकल, साथ में आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। वहीं चौकीदार की आप लोगों की 13 वैकेंसी है, जो कि आप लोगों की 10th पास इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो रहनी चाहिए आप लोगों की। और सफाई कर्मचारी की टोटल 12 आप लोगों की वैकेंसी है,
जिसकी क्वालिफिकेशन आप लोगों के 10th पास रखी गई है। और बात करूं इसकी एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 27 साल यू आर कैंडिडेट के जो भी लोग हैं तो वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लोग इसका फॉर्म जरूर फिल कर दें, क्योंकि इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप लोगों की 18 अप्रैल रखी गई है, तो उससे पहले पहले आप लोग इसका फॉर्म फिल कर दें। देखिए DSSB के द्वारा आप लोग लाइफ टाइम दिल्ली के अंदर नौकरी कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों की जो इसमें सैलरी होती है तो वो भी आप लोगों की 35,000 प्लस इन हैंड आप लोगों को इसमें सैलरी मिल जाती है। साथ में जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें आप लोगों का सिंपली एक एग्जाम करवाया जाता है, जो कि आप लोगों का 100 नंबर का होता है, जिसमें आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 होती है, जिसमें इंग्लिश में आप लोगों से 25 क्वेश्चन, हिंदी में 25 क्वेश्चन, और आप लोगों के GS से 25 क्वेश्चन और मैथ्स से आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों की अप्रैल महीने की top 5 वैकेंसी की, जो कि आप लोगों की सारी ही काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पे निकली हुई है, तो आप सभी लोग इसका फॉर्म फिल करें। और जिन भी लोगों ने इसका फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एक सरकारी नौकरी ले पाए और काफी अच्छी जगह पर ले पाए। और बाकी आप लोग मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है तो उसको जरूर फॉलो कर लें, वहां पे मैं आप लोगों के सभी के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जो कि आप लोगों के मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं, जिस भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट होते हैं, तो वो सभी मैं आप लोगों के वहां पर सॉल्व करती हूँ। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास ऑथेंटिक वैकेंसीज का पता लग पाए, साथ में वो लोग भी अपने प्रिपरेशन कर पाए और एक सरकारी नौकरी लग पाए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को सारी वैकेंसी के बारे में टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल पाए, साथ में आप लोगों को ऑथेंटिसिटी के साथ सारी चीजें प्रोवाइड मेरे द्वारा करवाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।